देश में लगातार कोविड 19 का कहर जारी है। इस वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 56,000 के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, कोरोना रिकवरी रेट 29.36% हो चुका है, यानी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हर 3 में से 1 मरीज अब ठीक हो चुका है। डेली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लव अग्रवाल ने कहा कि हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। और आज जरूरी है कि जब हम रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जब हम माइग्रेंट वर्कर्स के रिटर्न आने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है जो हमें समझना होगा कि वी हैव टू ऑल्सो लर्न टू लिव विद द वायरस। एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग टू लिव विद द वायरस, तो बहुत जरूरी है कि जो वायरस से बचने से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं, हम उसको कम्युनिटी में एज ए बिहेवियर चेंज के रूप में लाएं। चैलेंज बहुत बड़ा है, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमें सबके सपोर्ट की जरूरत है, मुख्यतः कम्युनिटी सपोर्ट की जरूरत है। सरकार जब एक एफर्ट्स अपने इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट मेजर कर रही है, तो आज जरूरत है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा भी जो अक्रॉस द कंट्री हमारे जो जिले हमारी पॉपुलेशन फैली है, वहां पर एक बिहेवियरल चेंज के रूप में ये सारी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की जाए। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी यही बात कही थी कि इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे में 1,273 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 16,540 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि 37,916 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है।